पाकिस्तान के दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के हवाले से अगर हम चंद महीने पहले बात करते और हम अगर हमें कोई ये कहे कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को दोनों वनडे और टी20 से हरा देगा तो आई थिंक हम वो दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। और आई थिंक पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि सफारी टूर जो है पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का कामयाब रहा है, क्योंकि शीट पर आप तमाम सीरीज जीते हैं। साउथ अफ्रीका के टूर की बात करें तो वनडे और टी20 के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। अब ये जैसे रमीज राजा भी कह रहे हैं, बहुत सारे पंडित भी कह रहे हैं कि ये हमारा मसला नहीं है कि साउथ अफ्रीका ने ए टीम खिलानी थी, बी टीम खिलानी थी। पाकिस्तान को जो जीत चाहिए थी वो जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज से 25 साल बाद, 15 साल बाद जब आप बात करेंगे कि पाकिस्तान के क्या कभी साउथ अफ्रीका को वनडे टी20 में हराया है, तो फिर आप इस सीरीज को याद रखेंगे, ये बहुत कम ही लोग याद रखेंगे कि प्लेयर्स थे या नहीं थे। तो क्रेडिट बिल्कुल पाकिस्तान का है। सबसे अच्छी चीज ये हुई कि आपके टॉप ऑर्डर में बहुत अरसे बाद भारत ऑस्ट्रेलिया की तरह टॉप थ्री में मैच विनर्स आ गए हैं जो सेंचुरीज कर सकते हैं, जो मैच को फिनिश करते हैं। बाबर रिजवान, ऑब्वियसली स्पेशली रिजवान को जब बनाया गया टी20 वनडे का ओपनर, तो लग रहा था कि शायद टी20 का ओपनर, कि शायद ये डिसीजन कुछ ठीक नहीं है, बट बहुत क्रेडिट जाएगा। जैसे उस्मान समीउद्दीन साहब ने अपने आर्टिकल में, कॉलम में लिखा कि अगर आप रिजवान की एबिलिटीज को डाउट करते हैं या आपको लगता है कि उनमें ये सलाहियत नहीं है, तो ये आप अपना रिस्क जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि वो तो हर दफा एक नई चीज करके दिखाते हैं। और रिजवान अब इससे क्या बेहतर होंगे, ये और एक्साइटमेंट है कि क्या वो कैप्टनसी मटेरियल भी हो सकते हैं आगे चल के, क्या वो इसी तरह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। हम तो बाबर तो हम करते हैं, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको मिलाते हैं विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, बट क्या रिजवान भी चंद अरसे बाद इसी कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि अब परफॉर्मेंस पैरामीटर है। ये नहीं है कि कवर ड्राइव या पुल शॉट या रिकी पॉन्टिंग या बाबर आजम के जो हम जो है वो करते हैं, बट आई थिंक रिजवान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और यहीं से वो और मजीद बेहतर होंगे। तो आई थिंक टॉप थ्री में रिजवान, बाबर, जैसे मैंने कहा फखर भी, इवन उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही स्पेशली साउथ अफ्रीका में, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पाकिस्तान को सोचना पड़ रहा है कि आपके पास 4 से 5 ओपनर्स हैं, आपने खिलाना किसको है। बट प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो है वो लिमिटेड ओवर्स में आपकी फिनिशिंग रोल है। कंसर्न यही रहेगा कि आपको जीत मिल गई साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में, और स्पेशली जिम्बाब्वे से जब टी20 हारे, सारा कुछ ही उसने बदल दिया, बट बड़ा स्ट्रांग फिनिश किया पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज के अंदर। बट जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है टी20 और वनडे में, दैट इज रिमेन सेम। आई थिंक जीत हम सेलिब्रेट जरूर करें, टॉप थ्री को भी सेलिब्रेट करेंगे, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, हसन अली ने कमाल का जो है वो कमबैक किया, उन्होंने पूरी पाकिस्तान की बॉलिंग की डायमेंशन चेंज कर दी है। हमें इसी तरह टेस्ट फॉर्मेट के अंदर जो है वो स्पिनर्स अच्छे मिल गए, नुमान उनकी बैटिंग, इसी तरह आबिद फॉर्म में आ गए, इमरान फॉर्म में आ गए, अजहर की सेंचुरी हो, बट जो लिमिटेड ओवर्स जिसकी इस साल बहुत जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान समेत तमाम टीमों को अब वर्ल्ड टी20 की तैयारी को हतमी शक्ल देनी है। पाकिस्तान नीड समथिंग जो कि फिनिशिंग रोल में आए, और ये जब तक एबिलिटी पाकिस्तान को नहीं मिलती अब प्रॉब्लम रहेगा। हमारे को ऑप्शन क्या है, आसिफ अली नाकाम हो चुके हैं, हैदर अली को हमने 3 से 5 भेजा, वहां वो स्ट्रगल करें, क्या वापस उनको ऊपर 3 पे भेजा जा सकता है, या फखर नंबर 6 के ऑप्शन हो सकते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो आप ऑब्वियसली मोहम्मद वसीम जो है इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं, और मैं भी कोशिश करूंगा कि उनको जल्द अपने इंटरव्यू में हम ले और उनसे बात करें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम अपने पावर हाउस और इसके अलावा फिनिशिंग रोल को किस एंगल से देख रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम सीरीज की बात करें, आई थिंक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम सीरीज जीती हैं, चाहे वनडे और टी20 हो, साउथ अफ्रीका टी20 हो या टेस्ट हो इन जिम्बाब्वे, सिवाय वो एक मैच के, लेकिन वो कंसर्न रहेगा कि आपने वो मैच क्यों इस तरह से जो है वो हार गए, क्योंकि इस तरह की हार आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ जेब नहीं देती। और कुछ ट्राई आउट किया जा सकता है, ट्राई आउट वाली कहानी पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत यंगस्टर्स हैं, आपकी क्या राय आप भी मुझे बता दें। मेरे ख्याल में तो ऑलरेडी हमारे पास इमरान बट आबिद को मैं नया मानता हूँ, जो कि अभी इतना उनको टाइम नहीं हुआ। इसी तरह आप देखें तो रिजवान भी जो है वो बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी टेस्ट क्रिकेट मुसलसल खिलानी पड़ेगी। तो बॉलिंग के अंदर शायद आप एक तब्दीली कर सकते थे, शाहीन या हसन को रेस्ट करा के क्या आप धानी को खिला सकते थे, बट चले आपने जो है वो शायद उस तरह की चीज़ नहीं की जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट स्टिल मेरे ख्याल में इस पूरे टूर में एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप जीत गए हैं,
और आप अब आगे की तैयारी करेंगे बगैर किसी खदशे के, खतरात के। बट जो फिनिशिंग रोल वाला प्रॉब्लम है वो जब तक ठीक नहीं होता तो वर्ल्ड टी20 के अंदर आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है।